सो हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फूड चेन्स एंड फूड वेब्स सो फूड चेन का क्या होता है फूड चेन डेफिनेशन क्या होगी इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड बाई द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को खाएगा क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो फूड है जिससे कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा सो so, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया फिर स्नेक ने दैट इज पाइथन ने फ्रॉग को खाया और ईगल ने पाइथन को खाया स्नैक को खाया राइट सो दैट इज़ अ फूड चेन कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को खा रहा है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो एक फॉर्म ऑफ फूड है एंड जब वो एक दूसरे को खा रहे हैं तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है जो फूड चेन होती है वो हमेशा प्रोड्यूसर से बिगेन करती है यानी कि जो ग्रास है वो क्या है प्रोड्यूसर है दिस इज दी प्रोड्यूसर ओके तो जो हमेशा जो हमारी फूड चेन होगी वो प्रोड्यूसर से बिगेन होएगी जो ग्रास हॉपर है दैट इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉग इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर पाइथन इज द टर्सरी कंज्यूमर एंड दिस इज द क्वार्टनरी कंज्यूमर फाइनली जब ये ईगल मर जाएगा तो इसको जो बैक्टीरियाज़ है फंगी वगैरह है माइक्रो ऑर्गैनिज्म है वो इसको डिकम्पोज कर देंगे सो लेट सी मोर एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन यहाँ पे देखिए ट्रीज को डियर ने खाया तो जो फ्रूट वगैरह लीव्स वगैरह उसके ऊपर लगे हुए थे वो डियर ने खाए और डियर को लाइन ने खाया ऐसी फ्लावर को फ्लाइज ने खाया बटरफ्लाइज ने, ने और फिर फ्लाइज को फ्रॉग ने खाया फिर स्नेक ने फ्रॉग को खाया एंड ईगल ने स्नेक को खाया सो फूड चेंज जो होती है ना वो हमेशा स्ट्रेट होती है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है यूजुअली तीन से चार ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स पाँच हो सकते हैं सो सी फ्लावर्स को फिशेस ने खाया स्मॉल फिशेस ने फिर लार्जर फिशेस ने स्मॉल फिशेस को खाया और बर्ड्स ने लार्जर फिश को खाया सो so, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ट्रांसफ़र होता है ना तो नाइन्टी परसेंट जो 80 टू 90 परसेंट एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है एज हीट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सो so, जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ही वो क्या होगी अफिशेंट होगी सो शॉर्टर फूड चेन्स आर मोर एनर्जी एफिशिएंट। एनर्जी एफिशिएंट। और जो पॉपुलेशन का साइज़ होता है ना वो डिक्रीज़ होता है विद द राइज ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स मतलब कि अगर हम बात करें ट्रीज़ की तो ट्रीज़ तो बहुत सारे हैं फिर डियर्स और कम है और लाइन्स और ज़्यादा कम है मान लो कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट के अंदर अराउंड थाउजेंड ट्रीज हैं तो वहाँ पे दो सौ डियर है और सिर्फ चार ही लाइन है तो पॉपुलेशन जो है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है नाउ फूड वेब क्या होता है जब बहुत सारी जो फूड चेन्स होती है वो इंटरकनेक्ट हो जाती है एक नेटवर्क सा बन जाता है जिसको कि हम फूड वेब बोलते हैं सो द इंटरकनेक्टेड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इको सिस्टम विच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज इज कॉल्ड फूड वेब सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन सो इट हैव न्यूमरियस पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ फूड चेन आर अ पार्ट ऑफ फूड वेब दे आर नॉट स्ट्रेट एंड इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ सो इट प्रोवाइड द नंबर ऑफ़ आल्टरनेट फूड्स टू द कंज्यूमर जैसे कि फ्रॉग है फ्रॉग ग्रास होपर को भी खा सकता है बटरफ्लाई को भी खा सकता है फ्रूटफ्लाई को भी खा सकता है सो so उसके लिए क्या है वेराइटी ऑफ फूड मिल गया उसको असेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इको सिस्टम फूड वेब जो है इको सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए भी सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक फ़ूड वेब है यहाँ पे देखिए बहुत सारी फ़ूड चेंजस जो है ना वो आपस में इंटर कनेक्टेड है तो अब हम देखते हैं फ़ूड चेंज यहाँ पे कितनी सारी है तो पहली जो फ़ूड चेन है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि रैबिट ने क्या करा है इस कैरेट को रैबिट ने खाया है और इस रैबिट को किसने खाया है सो so देखिए यहाँ पर ये यह हमारे पास कैरेट है कैरेट को कौन खा रहा है देखिए इसको खाया रैबिट ने ठीक है अब इस रैबिट को कौन खाएगा फॉक्स खा सकता है इसको फॉक्स खा सकता है या फिर इसको ईगल भी खा सकता है अब जो सेकेंड फूड चेन है वो आप देखें कि जो प्लांट है प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया प्लांट को किसने खाया? किस खाया ग्रास हॉपर ने ग्रास हॉपर को किसने खाया ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने एंड फ्रॉग को किसने खाया है स्नेक ने फ्रॉक को किसने खाया स्नेक ने एंड स्नेक को किसने खाया ईगल ने एक हमारी फूड चेन ये हो गई अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट है उसको खाया रैट ने रैट को खाया फॉक्स ने और फॉक्स को खाया ईगल ने एक ये फूड चेन हो गई दूसरा है जो हमारा ट्री है उसके ऊपर फ्लाइज है फ्रूट जो है वो फ्लाई ने खाया अब इस फ्लाई को फ्रॉग भी खा सकता है इसको बर्ड भी खा सकती है एंड ये जो बर्ड है दैट इज़ द थ्रश टी एच आर यू एस एच थ्रश जो होती है इसका मतलब होता है इंसेक्ट ईटिंग बर्ड सो so, अब इसको कौन खा लेगा ईगल खा लेगा सो so, एक हमारी फूड चेन ये हो गई सो so, यहाँ पर जो डिफरेंट फूड चेन्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं अब जैसे ये फ्रॉग है फ्रॉग जो है वो फ्लाई को भी खा सकता है वो ग्रास हॉपर को भी खा सकता है ठीक है अब ये जो फॉक्स है वो रैबिट को भी खा सकता है वो रैट को भी खा सकता है अब जो ईगल है सो so, ईगल जो है वो फॉक्स को भी खा सकता है स्नेक को भी खा सकता है बर्ड को भी खा सकता है रैबिट को भी खा सकता है तो एक ऑर्गेनिज्म को कितनी सारी वैरायटी ऑफ फूड मिल गई राइट सो फूड चे फूड वेब में क्या होता है कि बहुत सारी जो फूड चेन होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है सो so, अगर हम बात करें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की तो दोनों ही फूड चेन और फूड वेब में सिमिलैरिटी ये है कि वो क्या कर रही है रिप्रेजेंट हु ईट्स होम कौन किसको खा रहा है एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को खा रहा है और वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है दस परसेंट एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में पास होगी फ्राम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर अब डिफ्रेंसेस क्या है जो फूड चेन है दैट इज़ सिंगल लीनियर पाथवे यूनिट डायरेक्शनल होता है लेकिन जो फूड वेब होता है वो इंटरकनेक्टेड है जब बहुत सारी फ़ूड चेन्स जो है आपस में इंटरकन्टड हो जाती हैं तो एक नेटवर्क सा बना लेते हैं उसको हम फूड वेब बोलते हैं फूड चेन जो है दैट इज़ आइसोलेटेड फूड चेन जिससे कि स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है लेकिन जो फूड वेब है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स है उससे स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है फूड चेन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक इंडिविजुअल जो है दैट ऑक्युपाइज ओनली वन ट्रॉफिक लेवल लेकिन फूड वेब के अंदर एक इंडिविजुअल मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल भी ऑक्यूपाई कर सकता है ठीक है जैसे कि जो स्पैरो है जो बर्ड है अगर वो सीड खा रही है तो वो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल पर है वहीं अगर वो कोई इंसेक्ट खा रही है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है तो एक जो है ऑर्गेनिज्म वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स को ऑक्यूपाई कर सकता है फूड चेन जो है वो कम अडेप्टिव है फूड वेब ज़्यादा अडेप्टिव है फ़ूड वेब के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे फूड आइटम्स मिल जाते हैं बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है तो जैसे ईगल है वो मरेगा नहीं वो कुछ ना कुछ खा ही लेगा उसको फ्रॉग भी मिल रहा है मतलब जो हमारे पास स्नेक है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कर सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास खाने को ऐसे ही जो फ्रॉग है फ्रॉग के पास ग्रास ओपर को खा लेगा फ्लाई को खा लेगा ड्रैगन फ्लाई को खा लेगा तो उसके पास वैरायटी है ऐसी जो ईगल है उसके पास वैरायटी है वो फॉक्स को खा लेगा वो स्नेक को खा लेगा वो बर्ड को खा लेगा तो एक ऑर्गेनिज्म के पास मोर देन वन फूड आइटम्स होता है खाने के लिए फूड वेब के अंदर सो दैट्स ऑल फोर टूडे इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड Subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.